नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों ये देखिए जेट्रोफा का प्लांट है, कितने प्यारा ब्लूमिंग हुआ है इनमें। ये देखिए इसकी मैंने रूट प्रूनिंग कर दी थी और हार्ड प्रूनिंग भी कर दी थी, तो इसके बाद ये रिजल्ट है। दोस्तों आज मैं एक बोगनवेलिया के प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ, वही आपसे शेयर करूँगी। और वीडियो में अंत तक बने रहे और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये देखिए, ये है मेरे एक बोगनवेलिया का प्लांट। ये मैंने कटिंग से तैयार की है और इसको मैंने रेत में लगाया था, रिवर सैंड में। ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही तैयार की है, एक ही साथ मैंने इन दोनों को प्लांट को तैयार किया था और इसको रेत से निकाल कर डायरेक्ट पॉट दे दिया था। तो इसकी हालत मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, पर इसकी हालत देखिए, ये इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है। ये देखिए मैंने इसको पॉली बैग में पहले शिफ्ट किया, फिर अभी मैं एक इसको पॉट देने वाली हूँ। ये देखिए मैंने एक ले ली है, ये 11 इंच का पॉट है, प्लास्टिक का पॉट है, और यहाँ पर मैंने यहाँ ठिकरी देकर इसकी ड्रेनेज होल को कवर कर लिया है। और ये देखिए, ये मैंने इतने बना रखी है मिट्टी, इसकी भी मैंने एक वीडियो डाली थी, मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ मैं। तो अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल को विजिट करके आप देख लीजिएगा। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी ये खाद मिला हुआ मिट्टी है। और ये देखिए मैं पहले इसको भर लेती हूँ थोड़ी सी और थोड़ी देर थोड़ी भरने के बाद ऐसे दबा देंगी मैं, ताकि इनमें थोड़ी सी मिट्टी थोड़ी सी सेट हो जाए। पहले मैं इस प्लांट को पॉलीबैग से निकाल लेती हूँ, मैंने इनमें पानी नहीं दिया है आज। ये देखिए अभी इसका जो मैंने पॉट दिया था, मतलब ये पॉलीबैग में शिफ्ट करके 15 से 20 दिन ही हुए हैं, और ये देखिए कितनी जड़ आ गई है इनमें। ये देखिए तो ये बिल्कुल तैयार है अभी ट्रांसप्लांट करने के लिए। ये देखिए तो थोड़े नीचे हो रही है, तो इनमें और थोड़ी सी मैं मिट्टी डाल रही हूँ। क्योंकि ये मिट्टी मैंने बनाई है तो इसकी जड़ को अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे से थोड़ी सी मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी सी मिट्टी इसकी ढीली कर दी है और ये इसमें हम मिट्टी भर देंगे। दबा देंगे दोस्तों। ये देखिए ये प्लांट बनकर अभी तैयार हो गया है, और ये मिट्टी थोड़ी सी अभी पानी देने में ये फिर नीचे बैठ जाएगा। और ये देखिए हमारा ये एक दोस्तों, ये देखिए मेरा प्लांट अभी लगकर तैयार हो चुका है, तो इनमें मैं थोड़ी सी अभी पानी दे दूंगी। तो ये पानी में मैं मिला रही हूँ थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट और थोड़ी सी फंगीसाइड। पानी को थोड़ी सी अच्छी तरह से घोल लूँगी, मिला लूँगी पानी में। अच्छी तरह से इनमें पानी दे देंगे ताकि ये ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो बोगनवेलिया प्लांट के ऊपर। और
और फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।